दोस्तों आप सभी ने अपनी लाइफ में साइकिल तो चलाई ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं साइकिल का इन्वेंट कैसे हुआ और साइकिल का इन्वेंटर कौन है? अगर नहीं तो देखते रहिए इस वीडियो को। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। दोस्तों अगर आपको लगता है कि साइकिल का आविष्कार बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से हुआ होगा तो आप बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि साइकिल का आविष्कार बहुत ही गलत सूचनाओं से भरा हुआ है और बहुत ही विवादित भी है। क्योंकि साइकिल का आविष्कार बहुत ही विवादित और गलत सूचनाओं से भरा हुआ है, लेकिन साइकिल का आविष्कार बहुत लोकप्रिय भी है। आप 18th सेंचुरी की साइकिल और 21st सेंचुरी की साइकिल को अगर कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइकिल का आविष्कार करने का दावा बहुत सारे लोग करते हैं, और साइकिल का इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी आविष्कार के पीछे छोटी मोटी बहुत सारी कहानियां होती है। और ऐसा ही कुछ साइकिल के आविष्कार के पीछे, तो चलिए जानते हैं साइकिल के दो पहिए वाले मशीन के आविष्कार के पीछे की कोई कहानी। दो पहिए वाला मशीन का आविष्कार सन 1816 में जर्मनी में हुआ था, और इस मशीन को चलाने के लिए साइकिल की सीट पर बैठ के चालक को दौड़ना पड़ता था जमीन पे, तब ये जाके साइकिल चलती थी। आज के समय में जिस साइकिल का हम उपयोग करते हैं उस साइकिल का आविष्कार सन 1839 में स्कॉटलैंड में हुआ था, और स्कॉटलैंड के एक लोहार थे जिनका नाम था कर्कपैट्रिक मैकमेरिट, उन्होंने किया था इस साइकिल का आविष्कार। और इस साइकिल को आगे वाला पहिया 30 इंच का था और पीछे वाला पहिया 40 इंच का था, जिसमें चेन से जुड़े हुए पेडल्स नहीं थे, बल्कि साइकिल के पीछे वाले पहिए पे रोड से जुड़ा हुआ दो पेडल लगाए गए थे। और इस साइकिल को पेडल को बारी बारी घुमाने पर यह साइकिल चलती थी, और यह साइकिल इतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई, जिसे आप कर्कपैट्रिक का दुर्भाग्य कह सकते हैं। इसके बाद साइकिल को और बेहतर बनाते गए, जिसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। उसके बाद सन 1863 में बोनेसकर नाम से एक साइकिल आई, जिसमें रबड़ के टायर नहीं थे, तो आप समझ सकते हैं कि ये इतनी कंफर्टेबल नहीं रही होगी, और इसे बोनेसकर नाम से जाना आया। सन 1870 में और एक साइकिल आई जिसका नाम था ऑर्डिनरी नाम से साइकिल आई, और जिसे खास तौर पे हाई व्हीलर नाम से जाना जाता था। और इसमें अगला टायर पिछले टायर के मुकाबले बड़ा था, लेकिन इसमें रबड़ का टायर लगाए गए थे और इसको स्टील से बनाया गया, इसलिए साइकिल का काफी चर्चा में रही और लोकप्रिय। इसी तरह से समय के साथ धीरे धीरे साइकिल में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होते गए, और आया सन 1890 में और एक साइकिल आई सेफ्टी बाइक नाम से। सेफ्टी बाइक दूसरी साइकिलों से काफी लोकप्रिय रही, क्योंकि वो चलाने में काफी सुरक्षित थी, इसमें स्टील का प्रयोग बढ़िया ढंग से किया गया था, और साइकिल की मजबूती काफी अच्छी थी। साइकिल उस समय में साइकिलों से एकदम अलग थी, मतलब आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे ये बेस्ट साइकिलों में से एक थी, और पॉपुलर भी बहुत ज्यादा हुई थी। आज के समय में अगर हम देखें तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह की साइकिलें आ गई है, और बहुत ही मॉडर्न साइकिल भी है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत ही मॉडर्न और एडवांस साइकिल बनाती है, लेकिन उस टाइम पे जब साइकिल आई थी तो बहुत ही अलग और बहुत ही उतनी एडवांस नहीं रही होगी उस टाइम पे ना। 18th सेंचुरी में उतनी सारी साइकिलें आई होंगी, लेकिन वो उतनी एडवांस नहीं होगी जितनी आज साइकिल एडवांस है, और बहुत ही अलग अलग कामों के लिए अलग अलग साइकिल बन रही है। देना चाहूंगा, अगर हम एक कार की जगह पे 15 साइकिल खड़ी कर सकते हैं, पूरी दुनिया में लगभग 1 अरब और उससे भी दुगनी साइकिल है की संख्या है। दुनिया में सबसे तेज साइकिल चलाने वाले जॉन हार्वर्ड ओलंपिक साइकिलिस्ट है, जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिल चला सकते हैं। एक सप्ताह में 3 घंटा या 30 किलोमीटर साइकिल चलाने से दिल की बीमारी का आधा खतरा दूर हो सकता है। दुनिया में टेंडम साइकिल लगभग 20 मीटर की है, जिसमें 23 लोग बैठ सकते हैं। तो दोस्तों बस यही थी साइकिल के बारे में कुछ मेरी थोड़ी सी रिसर्च। आई होप कि यू लाइक इट, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करने देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपके आजू बाजू सफाई रखें, ऑनेस्ट बने और नियमों का पालन करें। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए और सुरक्षित रहिए।